अतिथि गण जो पधारे हुए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और यहाँ पर सांकला गांव के जो भाई बंधु और माता बहने जो आई है उन सभी को भी मेरा नमस्कार। मैं आज जो आपके सामने बताना चाह रही हूँ, खास करके जो यहाँ की जो माता बहन आई है उन्हीं के लिए, वो ध्यान से अपनी जो लड़कियाँ हैं उनको जरूर ये कला का ज्ञान करवाएं, क्योंकि आज का जो माहौल है उसमें अपन क्या कि लड़कियों को बाहर भेजने में बहुत ही डरते हैं कि लड़की अकेली कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं भी हूँ, मैं अकेली रहती हूँ और दो बच्चे भी साथ में हैं और अकेली पूरी फैमिली संभालती हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और वो भी कराटे की टीम में ही है, सीआरपीएफ में। मैंने भी शादी के बाद ही सीखा है, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से ही सीखी हूँ, क्योंकि गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। पहले गेम्स में रुचि थी पर खो खो कबड्डी यही गेम चलते थे, लेकिन आज का जो माहौल है उसमें हर लड़की को कराटे आना ही चाहिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट के थ्रू भी हमको बुलाया जाता है और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कला से लड़की अपने आप को तो बचाएगी, वो अपनी फैमिली को भी बचा सकती है। अभी हाल ही में 15 से 16 फरवरी को जयपुर में स्टेट चैंपियनशिप हुई, जिसमें हमारे दो खिलाड़ी अभी नेशनल जाएंगे गुवाहाटी में, 3 से 7 अप्रैल के बीच में होगी। आप इस कला के साथ साथ ऐसा नहीं कि एक स्पोर्ट्स भी है जो अपने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है और उनसे भी अपने बच्चों को फायदा मिलता है, जो कि हाल ही में अपने बीच में जो मेरे हस्बैंड ने आपके बीच में वो जीता जागता उदाहरण है। इसलिए कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे और आप अपने लड़कियों को इस कला का जरूर ज्ञान दें। धन्यवाद। धाकड़ अनिता जी मालूम को मैं आवाज देना चाहता हूं कि सोना जी धाकड़ आए और धाकड़ अनिता जी मालो को मोमेंटो प्रदान कर आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। और जी हाँ, इनके जो सराहनीय कार्य है आपको पता है, कराटो को मार्शल आर्ट भी कहते हैं कि मैम, सही है ना? हाँ, मार्शल आर्ट तो बहुत बड़ी चीज है, ब्लैक बेल्ट होना और बहुत बड़ा काम है। टाइगर श्रॉफ जब फिल्मों में देखते हो। सम्मानित मंच और उपस्थित माताएं बहनें बंधु, मैं इसी एरिया का हूँ सुनील का, और भाई आर्यन पिछले 2-3 दिन से फोन कर रहे थे, हालांकि आप देख ही रहे हो गला वाला बैठा हुआ है, फिर भी मैं हमलात्मक रूप से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो कार्य करने जा रहे हैं सेवा का कार्य एक ईश्वरीय कार्य होता है, इनके जोश को सलाम करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये इस संस्था के माध्यम से जो भी कार्य करें प्रसन्नता के भाव से रह करके और मन में ये भाव रखे कि ये काम ईश्वर का कार्य है, ईश्वर ने इनको प्रेरणा दी है, ये जरूर इसमें सफल होंगे। आज जो इन्होंने कुलवंश को यहाँ बुलाया, मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे पिताश्री ने भी नेत्रदान किया था, वो पूरे इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं अपने समाज के, और मैंने इसी श्रीन फाउंडेशन में अपना देहदान का संकल्प पत्र भर के इनको कोटा में 2-3 साल पहले ही दे दिया था। तो साथियों, ये बड़ा अच्छा काम है, शरीर नश्वर है, यदि अपने जाने के बाद भी ये किसी के काम आए तो बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे युवा जोश भी है, मैं आपको बताने में बड़ा अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि अपने समाज की दो बच्चियां लक्ष्मी नागर और काजल नागर, ये कोटा की रहने वाली है और इन्होंने अभी राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीता है और वो भी इसी तरह से मार्शल आर्ट में, शायद अच्छा वो भी इसी आर्ट में जूडो की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है,
और ये बड़ा अच्छा है अपनी आत्मरक्षा के लिए। वैसे भी हम धाकड़ हैं और हमारी धाकड़ बेटियां राष्ट्र में जरूर नाम करेगी, वो मजबूत भी होती है और उनको अपने को इसमें आगे लाना भी चाहिए। यहाँ पे मुख्य अतिथि अपने अस्सी गांव के मंदिर समिति के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही चाहूंगा कि सेवा के भाव में कभी भी अपना स्वार्थ नहीं आना चाहिए। स्वार्थ आने के बाद में फिर वो सेवा नहीं रह जाती है। सेवा के भाव में कभी दिखावा नहीं आना चाहिए। दिखावा आने के बाद में फिर वो सेवा नहीं रहती है, फिर वो स्वार्थ हो जाता है। यदि आप इस तरह से निस्वार्थ भाव से कोई भी काम ईश्वरीय कार्य को समझ के करेंगे तो ईश्वर आपको पूर्ण सफलता देगा। इस सेवा के भाव से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा मस्त रहेंगे और अपने आसपास का वातावरण में आप संतुष्ट रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। जय धरणीधर, जय धाकड़ समाज। हेलो माँ एक प्रसन्नता फाउंडेशन में अपने शुभारंभ अवसर पर पहुंचकर निश्चित रूप से जिस प्रकार से सामाजिक सेवा में आप सालों से निरंतर कार्यरत हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपने अध्ययन क्षेत्र से रहे हैं और अपना बहुत योगदान आपने इंजीनियरिंग की सेवा में दिया है, मैं आवाज देना चाहता हूँ भाई साहब सुरेश चंद जी को कि आप आए और धाकड़ इंद्र सिंह जी मंडलोई का मोमेंटो प्रदान कर एक आभार व्यक्त अपनी ओर से करें। भाई साहब का जो नाम है माँ एक प्रसन्नता फाउंडेशन, क्या बात है कि माँ कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है दुआ करती माँ ख्वाब में आ जाती है। और जी हाँ माँ नाम ही इतना बड़ा है। भाई साहब आप कनवाड़ा से सरपंच के रूप में पप्पू सिंह जी बना अभी हाल ही में जीत कर आए हैं पंचायती राज के चुनाव में, आपके स्वागत के लिए आवाज देना चाहता हूं। भाई साहब देवेंद्र सिंह जी की जो बावड़ी खेड़ा से पहुंचे हैं हमारे अजीज मित्र हैं, आप आए और पप्पू सिंह जी सरपंच साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सभी की। हमारे सभी अतिथियों में आप शिरकत हो क्योंकि आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है और रमेश जी की जीत में आपका बहुत अच्छा प्रयास है, तो आप भी मंच पर अपना स्थान करें। साथ में रमेश जी जो कि हाल ही में सरपंच बने हैं और आपने अपनी जीत सुनिश्चित करके कनवाड़ी का डेवलपमेंट, ऐसा पूर्व सरपंच कनवाड़ी दो बार सरपंच बनना आपका 10 साल का कार्यकाल, आपके स्वागत के लिए मैं आवाज देना चाहता हूं हमारे स्थानीय गांव से निवासी जो कि फूफा जी लगते हैं हमारे, भाई साहब कजोड़ जी आप आए और नरेश जी गुप्ता का स्वागत करें।